100% सुमित को मिलना चाहिए, नो डाउट भावेश ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जजेस का डिसीजन जो भी हो, बट टर्निंग पॉइंट चौथा ओवर था। क्या क्या हम हमेशा ऐप से ही जाएंगे, ये एलके यूथ क्लब बता दे कोई है यहाँ पे, क्या हमेशा हम ऐप से ही जाना है? क्योंकि ऐप पे तो कई बार वो टेक्निकली जो उनको लगता है वो दिखा देते हैं, कंडीशन रीड नहीं किया जाता बहुत बार उनको, ऐप पे क्या देखते हैं, ऐप पे जो शॉट्स रहते हैं वो लोग वो देखते हैं, वो टेक्निकली जो डिफरेंस आया वो नहीं नोटिस किया जाता ऐप पे जो ये हमारा। लेकिन आलोक आज के दौर में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो जो टर्निंग पॉइंट में खिलाड़ी का परफॉर्मेंस होता है उसे मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, तो हम सबके नजर में मेरे हिसाब से भी वो ओवर। और आलोक उसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि तीन रन जो सुमित ने दिए उसमें से एक लेग बाय था, मतलब बॉलर ने सिर्फ दो ही रन दिया, एक विकेट भी लिया। और देखिए जब 12 पे 11 या 12 पे 12 की जरूरत थी तो शायद 90% लोग देख रहे थे कि सावलता जीत रही है, जो 10% बचे थे वो ये 11 प्लेयर थे जो सोच रहे थे नहीं हम जीत रहे हैं, है ना। सो क्या सुमित को दे दिया जाए ये एलके यूथ, मुझे बताए यार। हाँ, मेरा भी मानना ये है, एक बार पूछो एलके वालों से, मनीष भाई तब से एक बार एलके से पूछ लेते हैं ना। मैदान पर नया मुकाबला शुरू होने जा रहा है, यूनाइटेड एलके 11 और बेड़ा यूथ ब्रिगेड बेड़ा। एम्पायर का इशारा आता हुआ स्कोरर की तरफ, तैयार है दोनों बल्लेबाज बेड़ा यूथ ब्रिगेड बेड़ा के। और इस समय टीम सावलता स्पार्टन सावलता के खेमे में आप देख सकते हैं चर्चाएं चल रही हैं कि एक ऐसा टोटल जो बहुत आसानी से जिसका पीछा करना शुरू किया था, पहले दो ओवर में 19 बन गए थे, मात्र एक विकेट कीर्ति का गिरा था, उसके बाद अचानक से जो कोलैप्स हुआ टीम सावलता का, आप एक्सपेक्ट नहीं करते किसी भी एक अच्छी टीम से ऐसा कोलैप्स। सीखिए आप हमेशा सीखते रहना, आप एक एक लाइफ में आप ना भले से आप अगर अगर कहीं के प्रिंसिपल ही क्यों ना हैं लेकिन आपके अंदर वो स्टूडेंट वाली एटीट्यूड रहे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसी के लिए भी। और मैं शायद उम्मीद करता हूं कि सावलता एकदम, अब सोचिए वो कितना ज़्यादा अब वो टीम प्रेशर में होगी कि हम एकदम अच्छा पूरे मैच में 80% या 75% अच्छा खेले, लास्ट के दो ओवर्स में हमने मैच दे दिया, पहली इनिंग बहुत अच्छा खेले, स्टार्टिंग के तीन ओवर्स बहुत अच्छा खेले, विकेट कीर्ति का विकेट बहुत डिपेंड है सावलता कीर्ति पे। चलिए अब हमने कितना कुछ बोला आपने माइक्रोफोन पे तो सुन लिया है, लेकिन फाइनली जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जा रहा है, क्योंकि इसके लिए भी भावेश, क्योंकि सिर्फ 37 रनों में से अकेले 22 उन्होंने बनाए थे, तो ये भी आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। नरेश जी वेरी वार्म वेलकम सर। तो मैन ऑफ द मैच लास्ट मैच में, एंड इट इज गोज टू एवरीवन द कैप्टन ऑफ टीम सादली, एंड आई रिक्वेस्ट भावेश, भावेश भाई आ जाओ प्लीज, भावेश फ्रॉम सादली। चलिए भावेश आएंगे तब हम उनको प्रेजेंट करेंगे, तब तक इस मैच पे नजर डालते हैं। पहला ओवर समाप्त, 5 रन बगैर कोई नुकसान। पहले ओवर में गेंदबाजी की विरल ने, और इस बार ये स्ट्रोक अच्छा है लेकिन डीप में खिलाड़ी भी तैनात हैं। सलामी बल्लेबाज अतुल जैन और यश जैन मैदान पर उतरे हैं, टीम दो रन मिले। और गिरीश भाई एक बात है ना कि ये जो चीज़ है ना बेस्ट वाली चीज़ जिसपे, तो मैंने तो आज तक इस पर कभी विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि हमेशा मेरा मानना है विनोद भाई, जीतू भाई, राजू भाई ना, कि नो 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 मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर।
आप क्या ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि विराट कोहली ही दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन है, या उनके साथ में रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स हालांकि नहीं खेल रहे, या फिर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इन सबको भी रखेंगे साथ में? तो ये सब चीज़ें हैं, हम भले से विराट के लिए हमारा दिल धड़कता है, हम इंडियंस हैं, नो डाउट विराट की जो परफॉर्मेंस भी है, अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं वर्ल्ड के जिनके तीनों फॉर्मेट्स में 50 प्लस एवरेज हैं, ये सब चीज़ों से आप उनको थोड़ा ऊपर रखते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके कोई भी शायद ये नहीं कह सकता कि ये दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। जी शायद डॉन ब्रैडमैन के 99.96 की एवरेज है, वो तो हम चलिए ठीक है, वो तो हम ओवरऑल देखेंगे तो उनके तो आसपास कोई नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में आप स्टीव स्मिथ को वहाँ पे रखते हैं जिस तरीके से वो टेस्ट में रन्स बना रहे हैं। अपील की जा रही है लेकिन पहले ओवर में बने थे 5 रन, इस ओवर में अभी तक आए हैं 3 रन, टोटल स्कोर है 8 रन। ओह गुड कैच, अमेजिंग कैच टेकन, अगले मैच के टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम सावलता, स्पार्टन सावलता और खिमेल की टीम, खिमेल 11 प्लीज टॉस के लिए कैप्टन्स आ जाएं। आई रिपीट, नेक्स्ट मैच खेला जाना है सावलता और खिमेल के दरमियान, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए पधारें। मनीष भाई, टीम बेड़ा एंड बेड़ा के सामने आप बाली की टीम यूनाइटेड एलके को देख रहे हैं, और अब एक वो बॉलर आप देख रहे हैं कि जिनको आज पूरे हमारे समाज में सभी मलिंगा के नाम से भी जानते हैं, लोग इन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं क्योंकि जितना अच्छा इनका खेल है उतना अच्छा ही इनका व्यक्तित्व भी है। दिनेश भाई आए हैं बॉलिंग के लिए दूसरे ओवर में, एक बार फिर से निवेदन है, ये तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, थर्ड ओवर पावर प्ले का ओवर। नेक्स्ट मैच में आमने सामने रहेंगी सावलता और खिमेल की टीम, सो खिमेल के कैप्टन तो यहां पर आ चुके हैं, मैं निवेदन करूंगा सावलता के कैप्टन से कि वो भी टॉस के लिए प्लीज टॉस एरिया पे आ जाए। राहुल चांस है वहां पे, शानदार फील्डिंग, बहुत जबरदस्त फील्डिंग, कैसी तैयारी है खिमेल, कितनी रेडी है खिमेल? फिलहाल फुल रेडी है, बस अभी डू और डाई मैच है, होप्स ऑफ मैच अच्छा हो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। राजस्थान से भी खेल के आए हैं आप, वहां भी टीम अच्छा की है जो मैंने सुना, खबर आई, और अपने ससुराल में भी शायद खेल रहे थे आप, तो वो फॉर्म भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी करना है आपको, बहुत बहुत मस्ट मस्ट मैच है। Yes, बहुत जरूरी है, बहुत डू और डाई मैच है मेरे लिए, तो फाइनली है, बाकी आगे देखते हैं। कुछ चेंजेस हैं आपके टीम में अगले में? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल, कुछ रहेगा तो मैं अभी प्लेइंग 11 रजिस्टर कर देता हूँ। चलिए, खिमेल के कैप्टन राहुल आ चुके हैं, एंड आल्सो वी रिक्वेस्ट कैप्टन फ्रॉम टीम सावलता से कीर्ति, दोनों आते हुए नजर आ रहे हैं, सावलता से शिपाल या फिर कीर्ति आ चाहिए, एंड हम मैन ऑफ द मैच के लिए भी चलेंगे, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैन ऑफ द मैच के लिए राजू भाई, जीतू भाई एंड विनोद भाई से कि प्लीज आ जाइए। पावर प्ले का ही है ओवर, एंड हमारी यूट्यूब की टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग भी अगर दिल करे तो आ जाइए।
आइए राजू भाई, आइए प्लीज राजू भाई, आ जाइए प्लीज राजू भाई, जीतू भाई आ जाइए। पावर प्ले का है ये ओवर, ओवर नंबर तीसरा। बेड़ा की टीम स्ट्रगल कर रही है इस ओवर में रन्स बनाने के लिए। यश और चाहत सुनील ये दो बैट्समैन नजर आ रहे हैं, यश जैन और चाहत सुनील। चलिए मैन ऑफ द मैच एंड आई रिक्वेस्ट राजू भाई एंड जीतू भाई, जीतू भाई आ जाइए प्लीज। एंड वॉली इवेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा दे आर ऑलरेडी हियर, सो प्लीज दिस वे सर। सो ये पावर प्ले का ओवर, चलिए पिछला मैच का मैन ऑफ द मैच। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 37 रन्स टोटल बने थे, उसमें से अकेले कैप्टन के जो रन्स थे वो थे 22। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और मुझे तो जिस तरह से वापसी की चिंतामणि 11 सादड़ी ने वो बहुत बेहतरीन लगा कि 12 पे 12 की जरूरत थी, उसके बाद भी फाइट किया और फाइट करने के बाद जीत भी हासिल की। 5 रनों से जीत हासिल की टीम चिंतामणि 11 सादड़ी ने। जैसे ये ओवर समाप्त होगा, चलिए हम जुड़ चुके हैं YouTube पर लाइव और मैन ऑफ द मैच को बुलाते हैं स्टेज पर। 11 बॉल्स 22 रन्स, द कैप्टन ऑफ टीम सादड़ी, वेल डन भावेश। एंड पहले ये ट्रॉफी एंड फोटोग्राफी चलती हुई यहाँ पे सुमित एंड दर्शन, एंड ये हॉलाइट की तरफ से गिफ्ट। कितना ज़्यादा बिलीव था जब 12 पे 12 मैच आ गया था, या आपको लग रहा था कि जो बिलीव था वो अकेले सुमित ने ज़्यादा जगह दिया उम्मीदों को? 100% बिलीव था, क्योंकि हमारी जो टीम है पूरी टीम मतलब परफॉर्मेंस के लिए एकदम रेडी रहती है हमेशा, और आपका 100% देती है। और जैसे ही उनको बॉलिंग दी उन्होंने मुझे बोला कि कन्फर्म मैं ये ओवर निकाल के आपको दूंगा, और उन्होंने 100% बॉलिंग की। अकेले आपके ही बल्ले से रन से आए हैं, थोड़ा कंसर्न है आपके लिए? कंसर्न है, बट हमने थोड़ा ट्रायल एंड एरर किया था। हमारे अभी बैट्समैन मयूर और मितेश थोड़े क्लिक नहीं हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोजीशन अप एंड डाउन हुआ था, बट आई एम वेरी श्योर कि वो लोग 100% क्लिक हो गए। ज़्यादा किस डिपार्टमेंट पे कैप्टन को भरोसा है, सादड़ी की बॉलिंग पे या बैटिंग पे? बॉलिंग पे। और आलोक मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मैं जब ब्रेकफास्ट के लिए गया मयूर भाई वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे चिंतामणि सादड़ी के कैप्टन, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि हमारी जो गेंदबाजी है वो 35-40 रन को यहाँ पर डिफेंड आसानी से कर सकती है, हमारे लिए गेंदबाजी का कोई इशू नहीं है, हमारी बैटिंग क्लिक नहीं हो रही है ये हमारा कंसर्न है। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने मैदान पर देखा। तारीफ हम उतनी ज़्यादा करेंगे खास करके सुमित की, सुमित आ जाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। सुमित देख रहे हैं अपने इस पे, और हम इस पे ना बहुत बड़ी एक बहस भी छिड़ी कि मैन ऑफ द मैच कौन, हाँ मैन ऑफ द मैच कौन, लेकिन फाइनल हमने मनीष भाई से बात की हल्के यूथ क्लब से, तो उन्होंने कहा कि रन भी तो कमी थे आलोक, 37 रन थे उसमें 22 अकेले भावेश के, तो ये भी तो तू देख। सो ये सब हमने नोटिस किया एंड फिर हमने देखा कि हम सिर्फ तरफ देखे, लेकिन सुमित काश हमारे दिल में ऐसा होता कि हम दो मैन ऑफ द मैच दे पाते, हमारे लिए आप भी उतने हो जितने भावेश इंपॉर्टेंट हैं। क्या बात, वेल डन, आप लोगों ने दिखाया टीम एक यूनिट में खेली, वेल डन गाइस, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस चिंतामणि 11 सादड़ी। थैंक यू सो मच सुमित। चलिए अब थैंक यू सो मच जीतू भाई, अब आप रुक टॉस करते हैं अगले मैच का। खिमेल के कैप्टन यहीं पर हैं, सवलता के कैप्टन भी आ जाएं प्लीज, आ जाइए। चौथा ओवर चल रहा है मैदान पे एंड सवलता के कैप्टन श्रीपाल हमको ज्वाइन करते हुए। हमारी जो कमेटी है प्लीज कॉइन दे दे, आई थिंक कल्पेश के पास कॉइन है। ओवर चल रहा है इस समय ये चौथा, इस समय जो स्कोर है वो है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ और आखिरी गेंद पर ऊंचा स्ट्रोक है, खिलाड़ी हैं वहां पर और ये मुझे बहुत सेफ हैंड नजर आते हैं। एक और जबरदस्त कैच पकड़ा था उन्होंने, ऋषभ हैं खिलाड़ी, और एक और अच्छा कैच, दूसरा कैच ऋषभ का। ओवर समाप्त हो गया ये चार, और चार ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 22 रन
तीन विकेटों के नुकसान पर। चलिए जुड़ते हैं टॉस के लिए। नया मैच का टॉस हमारे साथ किमेल के कैप्टन राहुल और सावलता के कैप्टन शिपाल। टॉस के लिए जीतू भाई, एक तरफ एल के क्लब, दूसरी तरफ एमटीसी ग्रुप। चलिए शिपाल विल टेक द कॉल फ्रॉम सावल। एल के वॉज द कॉल एंड एमटीसी डीज। सो टॉस जीता किमेल ने। एमटीसी। राहुल यू विल बोल फर्स्ट। पहले मैच में कुछ गलतियां हुई हैं और शायद उसको अब दोहराना बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि आखिरी मौका है शायद। हाँ, पहले मैच में थोड़ी फील्डिंग की थोड़ी खामियां थी, बस उसे अभी करना है और ये मैच को जीतना है। वैसे भी डू और डाई मैच है, तो होप फॉर द मैच अच्छा हो, दोनों जो अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? सवाल है 12 पे 11 आया था, फिर वहाँ पे टीम पीछे रह गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जीत के पास पहुँच के फिर वहाँ से मैच गंवाना, ये टीम का थोड़ा सा माहौल बताइए सर, बहुत निराश होंगे या क्या? कहा आपने, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, रन आउट हो गए थोड़े एक ही ओवर में। ठीक है, वापस कमबैक करेंगे। अच्छा आलोक, आप एक चीज देखेंगे, खिमेल ने भी जो अपना पहला मैच खेला उसमें जीत के करीब पहुंच गए थे, 10 पे 16 चाहिए था, सादरी के सामने खेल रहे थे, वहां से वो लोग पीछे रह गए और जीत नहीं पाए। और वहीं सवलता की अगर बात करें तो ये लोग भी एक समय ऐसा लग रहा था 12 पे 12 आसानी से जीत जाएंगे, उनके भी सामने सादरी थी। सो अब दोनों आमने सामने है और दोनों के लिए मस्ट विन वाला कॉन्टेस्ट है ये। पहले पहले मैच से, सो चलिए ऑल द बेस्ट कैप्टन्स, ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स। टॉस जीता है यहाँ पर खिमेल ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया। सो अब देखते हैं कि अगले मैच में जहाँ पे दोनों घायल शेर हैं, राहुल एंड शिपाल, तो अब एक दूसरे पे बब्बा शेर की तरह पड़ेंगे, ये पता लगेगा इस मैच के बाद। लेकिन फिलहाल जो मैच चलता है वहाँ पे बेड़ा 25 पे 3 गवा बैठे हैं, रन फिर से इतने बने नहीं। नजर डालते हैं मैदान की तरफ, आखिरी ओवर में कुछ और खुशियों के मंजर नजर आएंगे बेड़ा के लिए या फिर ऐसी ही चलेगी रनों की रेलगाड़ी जो अब तक हर गेंद पर रुक रुक कर चल रही है। एक बैट्समैन जो बहुत अच्छे खेल रहे हैं वो यश राजेश जैन, जो 13 पे 16 बना के खेलते हुए। स्ट्राइक में फिलहाल कुणाल या यश चाहेंगे कि अब इन बची हुई 4 गेंदों पे कम से कम अगर 35 के आसपास तक 36 तक पहुंचे। लेकिन जी नहीं, एक और विकेट फर्नीचर डाउन और आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यश राजेश जैन, 16 बना के यश आउट। पांचवा ओवर इस समय गतिशील है, चार विकेट्स अब तक गंवाए हैं टीम बेड़ा ने, रन्स जो हैं वो 26। खुश होगी यूनाइटेड एलके 11 बाली की टीम, जिस अंदाज से उन्होंने हर एक ओवर में जो कसी हुई गेंदबाजी है उस सिलसिले को बरकरार रखा है। और फिर से ये शायद एक मौका है, लेकिन नीव ने वहां पर कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि वो जानते थे कि बैकअप इतना स्ट्रांग नहीं है, पीछे खिलाड़ी काफी दूर हैं, तो एक अगर निशाना चूका तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एक जाना बेहतर समझा उन्होंने। 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और आखिरी गेंद पर भी शायद 1 या मैक्सिमम 2, देखते हैं कितने मिलेंगे। कीपिंग एंड पर थ्रो है और दूसरे रन की चाहत में विकेट गिरा। इस तरह से 5 ओवर का खेल यहां पर हो गया मुकम्मल। 5 ओवर में बेड़ा यूथ ब्रिगेड, बेड़ा गांव की टीम ने जो रन्स बनाए हैं वो है 28 और लक्ष्य रखा है 29 रनों का। यह है एमटीसी ग्रुप प्रेजेंस मरुधर कप 2020, टाइटल स्पॉन्सर एमटीसी ग्रुप, मधुबन टोयोटा, को पावर्ड बाय जोयो, जॉय ऑफ लाइफ, पावर्ड बाय माइक्रोलैप्स लिमिटेड एंड आर ट्रैवल पार्टनर इज हॉलाइट योर ट्रैवल डेस्क।
We'll join you back with the live commentary once the second inning will start. 20 needed in 30 balls. जैसे ही इनिंग की शुरुआत होगी, मैं अरमान और मेरे साथ में आलोक जुड़ेंगे आंखों देखा विवरण लेकर. तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक. थैंक यू. यूनाइटेड एल के 11 बाली को चाहिए 29 रन 5 ओवर में, जो आज के दिवस का अब तक का सबसे न्यूनतम टारगेट रखा गया है. लेकिन हमने देखा कि इससे पहले 38 रन जब टारगेट रखा गया था टीम सवलता के सामने सादड़ी के द्वारा, तो वहां पर 5 रनों से सादड़ी ने अपना मुकाबला जीता था. और अब यहां पर अग्नि परीक्षा होगी बेड़ा यूथ ब्रिगेड के गेंदबाजों की. जब गेंदें ज्यादा हैं और रन कम है, चिंतन शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में. पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ, खाता खुल गया एक्स्ट्रा रन की ही मदद से. सही पहली बॉल पर. 3 दिनों का ये एमटीसी ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत मरुधर कप 2020, जिसका आगाज आज शुक्रवार के दिन हुआ, एक और दिलचस्प बात यह भी रहेगी देखने वाली कि क्या यूनाइटेड एलके 11 बाली की जो टीम है वो इस 29 रन को बनाने के लिए ताबड़तोड़ रुख इख्तियार करेगी, या फिर आसानी से सूझबूझ के साथ रन्स बनाए जाएंगे. क्योंकि एक और चीज जो हमने कई मरतबा एमटीसी मरुधर कप में देखी है कि टीम जब 2 या 3 टीमों के पॉइंट्स सामान रहते हैं, तो ऐसे में उनका नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए. सो दिलचस्प बात रहेगी ये देखने वाली. 2 बल्लेबाज हैं संकेत और उनके साथ ऋषभ. संकेत ने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया है और अब ऋषभ स्ट्राइकिंग एंड पर है. ऋषभ ने काफी इंप्रेस किया अपनी फील्डिंग से. पहली पारी में 2 कैचेस ऋषभ ने पकड़े, जिसमें एक तो बहुत ही लाजवाब रहा था. ये वाइड गेंद है, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ. और फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, इफ आई एक्सप्लेन यू द मेथड ऑफ रन रेट कैलकुलेशन, जैसा कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर में से मनीष जी बता रहे हैं कि यहाँ पर रन रेट कैलकुलेट किया जाएगा. और रन रेट कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है टोटल रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड. इस तरह से आपका रन रेट कैलकुलेट होगा. जी हाँ, अगर कोई टीम ऑल आउट होती है, समझिए उन्होंने 27 बॉल्स खेले और ऑल आउट हो गए, तो फिर पूरे जो 30 बॉल्स हैं वो काउंट होंगे. और इस लिहाज से अगर हम ग्रुप की बातें करें, जो एक ग्रुप हम देख रहे हैं इस समय
यूनाइटेड एल के 11 है इसमें, बेड़ा है इसमें, और इनके साथ में नाडोल ये एक ग्रुप में है, ग्रुप बी की है ये टीमें। सो नाडोल ने एक मैच जीता है और वो खुश होंगे कि अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए उनके जो चांसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। वहीं अगर ग्रुप ए की मैं बात करूं तो खिमेल, सादड़ी और सावलता ये तीन टीमें हैं, जिसमें सादड़ी ने दोनों जीत के साथ अपना अगले पड़ाव में पहुंचने का जो सफर है उस पर मोहर लगा दी है। अब जो अगली टीम रहेगी ग्रुप ए से नेक्स्ट पड़ाव में पहुंचने के लिए वो या तो खिमेल या फिर सावलता। ओवर समाप्त हो गया पहला, पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो रन्स बने हैं वो हैं 7 विदाउट लॉस। सावलता और खिमेल जिसका हमने टॉस किया और इस मैच के बाद उनका मैच होगा। अच्छा शॉट है ये और गैप में भी है, अच्छा शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट थी और ये शानदार 4 रन्स मिलते हुए। ऋषभ मेहता के बैट से ये चौका और ये ओवर अगर आप नजर डालिए तो काफी एक्स्ट्राज नजर आ रहे थे, या तो डॉट था। इस बार अच्छी फील्डिंग डीप में, सभी स्पॉन्सर्स आप सबको पता है कि एमटीसी ग्रुप। ये एमटीसी मरुधर कप 2020 सीजन 9 आप सभी देख रहे हैं, एलके यूथ क्लब जो इस इवेंट को, जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, जो आयोजन जिन्होंने किया। तो कुछ और हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स के साथ एमटीसी ग्रुप के बाद अगर नज़र डालें तो दिस होल एमटीसी मर्दर कप 2020 प्रेजेंटेड बाय एलके यूथ क्लब एंड पावर्ड बाय माइक्रो लैब्स लिमिटेड। हमारे जो ट्रेवल पार्टनर हैं वो हैं हॉलाइट, हॉलाइट योर ट्रेवल डेस्क एंड को पावर्ड बाय जोयो जॉय ऑफ लाइफ। इस बार मैदान अगर आप देखिए तो खालसा ग्राउंड पे हम सभी हैं। तरीके से हम सेंट्रल में हैं बॉम्बे के, जो ये ग्राउंड है अगर आप देखिए तो मुंबई का सेंट्रल, आप दादर माटुंगा ये सब आप कहते हैं, और सभी को यहाँ पे आने के लिए भी बहुत आसानी। ओ क्या है, विकेट है जी हाँ, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल लेकिन काफी मुश्किल था कैच। ये ताकत आपने देखी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार होते हुए क्रॉस बैट से खेला गया, शानदार कनेक्शन। क्या ये ऋषभ के बैट से चौका निकला या फिर जितेंद्र के? मुझे लग रहा है जितेंद्र के बैच से चौका निकला। हमारे स्कोरर प्लीज थोड़ा सा अपडेट कर दें उसे प्रॉपरली। रन्स तो हो गए हैं 18, दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। पिछला जो चौका लगा था वो जितेंद्र के बैच से, जो अब अपडेट हो चुका है। एक गेंद 4 रन जितेंद्र, जो इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। और अब ये पावर प्ले का ओवर, एंड अगर आप इनका बॉलिंग एक्शन देखिए जो बॉलिंग के लिए आए हैं, अगर आप लोग पॉल एडम्स को देखा होगा आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के, तो कुछ उनसे मैच होता हुआ इनका बॉलिंग एक्शन। ये कुछ ऐसे यूनिक बॉलिंग एक्शंस हैं जो थोड़ा सा
फन भी क्रिएट करते हैं, लोगों को थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ इफेक्टिव तब ज़्यादा हो जाते हैं जब आपकी लाइन लेंथ अच्छी गिरे। बहुत जबरदस्त शॉट, बैक फुट पे जाके पंच किया गया, अपर टो पे खेले, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रिप्ले अगर आप लोग देखें तो मजा आएगा। ये जितेंद्र के बैट से दूसरा चौका, और ये विकेट। सो जितेंद्र आउट हुए, लेकिन दो बहुत खूबसूरत गुड किंग चौका लगाने के बाद। सिर्फ 6 रन और बनाने हैं, आउट हुए जीतू और नए बैट्समैन प्रतीक नजर आ रहे हैं जो नॉन स्ट्राइक पर हैं इस समय। स्ट्राइक पर हैं ऋषभ और लॉन्ग ऑन में कोई खिलाड़ी है नहीं, पावर प्ले है ये, इसलिए दिल खोलकर बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ, ये निकला एक और एमटीसी ग्रुप के सम्मान में चौका। और क्या ये विनिंग स्ट्रोक होगा? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी, लेकिन रुकिए, अभी गेंद वहां पर धीमी हुई, उसके बावजूद 2 रन ले गए बल्लेबाज और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है शायद। हाँ, 29 बन गए और यूनाइटेड एल के 11 ने ये मुकाबला जीत लिया मात्र 2.5 ओवर में ही। बहुत बधाइयां टीम यूनाइटेड एल के बाली। सो 8 विकेटों से इस मैच को जीता गया और 13 बॉल्स स्पेयर्स रखते हुए। सो एक बड़ी जीत यहाँ पे बालीगांव के लिए, यूनाइटेड एलके बालीगांव की टीम के लिए। एंड हम चलेंगे मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स की तरफ। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए मनीष भाई विल हेल्प मी कि किसको रिक्वेस्ट करना है। और साथ ही हम अगले मैच का टॉस भी करेंगे जो होना है बाली और नाडोल के बीच में। सो नाडोल के कैप्टन तो यहीं पर हैं, बाली के कैप्टन